तो ये चर्चा लगातार जारी है। अब हमारे साथ इंजीनियर सर्वेश जायसवाल जुड़ गए हैं, जो कि पिपरसन से ग्राम प्रधान हैं। सर्वेश जी, स्वागत है आपका। और विश्व में कोविड 19 से संक्रमितों की संख्या, सर्वेश जी, क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं और इस बार हम जो ई चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनलॉक को लेकर, तो अनलॉक को लेकर ही मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, आपके खुद के गांव में अनलॉक के बाद में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कितना बदलाव आप देख रहे हैं लोगों की जिंदगी पर, अपनी जिंदगी पर? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि अनलॉक वन जब से स्टार्ट हुआ है तब से गांव के लोगों को थोड़ा सा फ्री होने का एक टाइम मिल गया है। इस वजह से लोग आपस में जो है मिलजुल पा रहे हैं, लोग खेती आराम से कर पा रहे हैं, खेती करने का समय आ गया है। लेकिन क्या हो रहा था कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को अंदर चिंता का विषय बना हुआ था कि अगर लॉकडाउन इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो हम लोगों को खेती किसानी करने में बड़ी समस्या आएगी। लेकिन एक तारीख से जिस दिन से लॉकडाउन बंद हो गया है और अनलॉक वन स्टार्ट किया है मोदी सरकार ने, तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि लॉकडाउन तो ठीक है, एक सोल्यूशन था कि कोरोना जो महामारी है उसको रोकने का, लेकिन जो वैश्विक हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा चरमरा रही थी, उसको देखते हुए हमको जरूरी था कि अनलॉक वन स्टार्ट करना चाहिए था। तो अनलॉक वन स्टार्ट किया है। जैसे कि हम कभी भी पतंग की डोर होती है उसको हम खींचते हैं तो पतंग ऊपर जाता है, फिर खींचते हैं तो फिर और ऊपर जाता है, उसी तरह से हमको अर्थव्यवस्था को भी अगर मजबूत करना है तो धीरे धीरे हमको खोलना पड़ेगा। एक ही बार हम खोल देंगे तो भी बड़ी दिक्कत होगी। तो काफी अच्छा रहा अनलॉक वन, ठीक है, इससे जो है थोड़ी अर्थव्यवस्था हमारी जो खराब चल रही थी वो धीरे धीरे जो है सही पटरी पे आ रही है, और इससे हमारे गांव वालों को भी काफी अच्छा लग रहा है। उन लोगों को रोजगार मिला है, काम मिला है। पहले क्या होता था, काम तो कर नहीं पा रहे थे, जो बाहर से भी लोग आए हुए थे प्रवासी मजदूर, तो बड़ी समस्याएं हो रही थी। अब आए हैं तो उन लोगों को जब से अनलॉक हुआ है तब से जो है काम मिलना चालू हो गया। हम अपने ग्राम पंचायत में भी बहुत सारे काम जो करवा रहे हैं, तो हमारे गांव के मजदूर जो है अब आ रहे हैं, वो लोग काम कर भी रहे हैं। पहले क्या होता था कि डरते थे कैसे हम जाएंगे काम करने, जैसे सरकार ने कह दिया था कि मनरेगा के द्वारा कार्य आप कराया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक साथ मनरेगा मजदूर जो इकट्ठा होने से डरते थे, एक भय था कि कोरोना कहीं हमको भी ना हो जाए, कोरोना महामारी कहीं हमारे गाँव में फैल ना जाए। इस वजह से थोड़ा उनको अंदर डर था। तो मनरेगा को लेकर मतलब आपके यहाँ पर ठीक तरीके से काम चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है मनरेगा के तहत? बहुत यह काम चलता है, इससे काफी अच्छा राहत मिला है लोगों को कि मनरेगा योजना के द्वारा जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं ज्यादा से ज्यादातर काम जो है इन लोगों को मिल रहा है। हमारे जनपद की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरों को कार्य दिया गया है हमारे जनपद में, नंबर वन पे है ये हमारा जनपद जी। अच्छा, क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने रही इस पूरे कोरोना काल में? चुनौतियां तो मैं बहुत सारी है, लेकिन सारी चुनौतियों को धीरे धीरे हम लोगों ने जो है साथ मिलकर, तो हमारे गांव की जनता और हमारे आसपास के लोग मिलकर इसको जो है धीरे धीरे लड़े और इस पे हम लोग जो है जीत भी हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले समस्या ये आई कि कोरोना जो बीमारी था उसको देखकर शुरू में तो सबके अंदर भय बहुत ज्यादा था। जब हमारे यहाँ देश में 30 से 35 केस थी तो उस समय लॉकडाउन स्टार्ट हुआ जब, तो लोगों के अंदर भय इतना ज्यादा था, लोग डरते भी थे कि बाहर नहीं जाएंगे, बाहर मिलेंगे भी नहीं, लॉकडाउन की स्थिति भी। लेकिन जब से अनलॉकडाउन चालू हुआ तब से जो है लोगों के अंदर भय तो खत्म हुआ है, लेकिन संख्या भी बढ़ रही है। लोगों को इस पे जो है थोड़ा देखना भी पड़ेगा, ध्यान भी देना पड़ेगा कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमको जो सावधानियां सरकार ने बताई है उसको हमको देखना पड़ेगा, उस सावधानियों पे हमको अमल करना पड़ेगा। नहीं तो ये संख्या जिस दिन गाँव में पूरी तरह से फैल गई, ये संख्या आज 4 लाख पहुंच चुकी है, तो 4 लाख नहीं वो 40 लाख भी पहुंच सकती है। तो ये हमारी जो जनता है, हमारी जो पब्लिक, इसको ध्यान देना पड़ेगा कि अब संख्या लगातार बढ़ रही है तो हमें जो है दूरियां मेंटेन करनी पड़ेगी और हमको आपस में जो है मेल जोल जो है थोड़ा दूरी बना के रहना पड़ेगा। अच्छा, आम तौर पर लोगों को जहन में ये रहता है जो शहरी परिवेश में रहते हैं कि गाँव के लोग जागरूक नहीं होते, या फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को समझाया जाए तो वो समझते नहीं हैं। लेकिन मेरा आना ये है कि आज हालात बहुत बदल चुके हैं, शहरी परिवेश में रहने वाले लोगों से ज्यादा समझदार कई दफा, और समझदारी कई दफा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग दिखाते हैं, क्योंकि आज एजुकेशन वहां पर भी है, और दूसरा जो नैतिक मूल्य हैं वो नैतिक मूल्यों के साथ में ज्यादातर रहते हैं, और ये महसूस भी किया जाता है, कई स्टडीज भी ऐसा कहती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपके गाँव में क्या कुछ स्थिति रही उस दौरान में,
और लोगों का कैसा व्यवहार था कोरोना को लेकर, जब लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है और आप चेहरे पर मास्क लगाकर रखें, तो क्या आपकी अपनी जो ग्राम सभा है क्या वहां पर लोग सुन रहे थे ये तमाम बातें, मान रहे थे क्या ये तमाम बातें? जी मैम, बताना चाहूंगा मैं शुरू में जब लॉकडाउन हुआ गांव भी हमारा सील हुआ क्योंकि हमारे गांव में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, अब तो पूरी तरह से ठीक हो गए, तो समस्याएं तो आई काफी, लेकिन धीरे धीरे डोर टू डोर जाके हम लोगों ने समझाया, हमारी जो आशा बहुएं थी हमारे गांव की वो लोगों जाके समझाएं कि भाई ये एक बीमारी है, इसको जो है अगर सावधानी बरतेंगे तो ये सही हो सकती है, इसमें ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। लोग तो पहले ये कहते थे कि नई बीमारी नहीं है, प्रधान जी जानबूझ के जो है गांव को सील करवा दिए, प्रधान जी जो है हमारे गांव के 10 लोगों का सैंपल जो है नहीं सैंपल करवाए हैं वो जानबूझ के करवाए हैं, तो ऐसा समस्याएं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब डे टू डे जो है हम लोग गए डोर टू डोर गए समझाए तो लोगों को समझ में आया, ऐसा नहीं है कि जो है गाँव के लोग समझदार नहीं, तो उनको समझाया जाए, सही चीज बताई जाए, उनके उनके द्वारा जो है सही चीज हम लोगों के द्वारा उनको बताई जाए, इस पर अमल भी करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो केसेज मिल रहे हैं वो शहरों में ही मिल रहे हैं, गाँव में कुछ मिल नहीं रहे, क्योंकि गाँव में थोड़ा आबादी भी उतनी घनी नहीं है, दूर दूर लोग रहते हैं, घरें भी काफी दूर दूर पे रहती है, तो इस वजह से जो है ये एक्चुअली छुआछूत की बीमारी है, तो छुआछूत की बीमारी जो है जहाँ पे घनी आबादी होगी वहाँ ज्यादा फैलेगी, मुंबई में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, वहाँ पे आबादी घनी है, वहाँ पे संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो हमारा गाँव तो वाकई में काफी समझदार लोग ने लोगों को समझाया, हमने तो समझ नहीं आया, और जो 3 लोग निकले तो 3 जो है निगेटिव हो गए, उसके बाद 10 लोगों का और सैंपल लिया गया था वो भी जो है निगेटिव मिला, इस तरह से मेरा पूरा गांव भाई समय जो है स्वस्थ है, वहाँ पे कोई भी लोग जो है कोरोना से ग्रसित नहीं है। अच्छा, क्योंकि किसानों को थोड़ी सी राहत थी, वो अपनी खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे, फसल कटाई वो लोग कर पा रहे थे, उसके अलावा मंडियों तक उनकी फसल को ले जाने की बात तो वो लोग ले जा पा रहे थे, इसको लेकर तो ये जो सरकार के द्वारा कदम उठाए गए थे इसको लेकर लोगों में नाराजगियां भी थी या फिर लोग बहुत खुश थे? नाराजगियां तो नहीं थी, मतलब 20% लोग नाराज थे, ऐसा नहीं कि नाराज नहीं है, 20% लोगों को नाराजगी लग रही क्योंकि वो लोग इस बीमारी को मजाक समझ रहे थे, तमाम चीजें उन लोगों के दिमाग में आती थी कि हाँ मोदी सरकार जो है राम मंदिर बनवा रही है उसकी वजह से जो है इसको जो है बीच में ले आया है, जो है राम मंदिर बन जाए और बीमारी जो है बहाना है, इस वजह से लोग इस तरह से बोलते हैं, पब्लिक बोलती भी है, और जबकि ऐसा है नहीं, पूरा विश्व परेशान है, विश्व में जितने भी देश हैं हर देश में लगभग जो है ये फैल चुका है, अमेरिका जैसा महाशक्ति जो है वो पूरी तरह से एकदम त्रस्त हो चुका है, तो लेकिन ये चीज धीरे धीरे समझाया जा रहा है पब्लिक को, अभी भी लोग पब्लिक समझ रही है, धीरे धीरे समझ भी जाएंगे, जो 20% नहीं समझ रहे हैं वो भी समझ जाएंगे, समस्या है जब तक कभी भी ऐसा होता है कोई भी बात होती है जब तक अपने घर में या अपने परिवार में या अपने गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है तब तक उस पे अमल करना इतना आसान नहीं होता है, तो जब इधर भी हमारे सिद्धार्थनगर में लगभग 200 केस जो है मिल चुके हैं, तो अब धीरे धीरे यहाँ सिद्धार्थनगर की जनता भी समझने लगी है कि हाँ अगर इसे हम लोग जो है सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारा सिद्धार्थनगर भी पूरी तरह से जो ग्रसित हो जाएगा कोरोना से। अच्छा सरेश जी, क्योंकि आप एक युवा हैं और आमतौर पर जब भी ग्राम प्रधान की बात पहले हुआ करती थी तो लोगों के अगर जहन में कोई एक इमेज डेवलप होती थी तो वो होती थी कि गांव के कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, लंबी लंबी उनकी मूछें होंगी और मतलब लट के हाथ में होगा, जो कि कल्चर है ये हमारा खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, और एक इस तरह की छवि उभरती थी। लेकिन आज आप एजुकेटेड हैं, इंजीनियर सर्वेश जायसवाल आपका नाम है, आप युवा भी हैं, ये बदलाव किस तरीके से आया गाँव में? जी मैम, बदलाव आना जरूर बेटा, इसके लिए मैं तो पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गांव की प्रधानी के लिए जो मैं खड़ा होऊंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि हमारे एक दोस्त हैं जो है प्रदीप चौधरी जी, तो उनकी गांव में मैं उनके प्रचार के लिए गया हुआ था उनके चुनाव के लिए, तो उसी गांव के जस्ट बगल में हमारे ग्राम पंचायत के 2 जो है मजरे पड़ते हैं, तो वहां पे मैं कभी गया भी नहीं था, तो मुझे लगा कि यहां पे जाके देखना चाहिए, तो मैं गया वहां पे देखा भी, स्थिति ये रही कि वहाँ की स्थिति काफी दयनीय थी, तो मैंने उनसे कहा, हमारे जो प्रदीप चौधरी जी हैं, मैंने कहा कि भाई मैं भी चुनाव लड़ जाऊं क्या, तो उन्होंने कहा कि लड़ जाओ, यहाँ का मैं गांव देख लूंगा, आपकी हेल्प करूंगा मैं, तो 10-15 दिन सिर्फ पर्चा दाखिला के बचे थे, तो मैं चुनाव में जो उतरा और डोर टू डोर कैंपेन किया, पब्लिक के हर घर में मैं गया, माँ बहन बहू बेटी सबसे मिला और सबको बताया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, मैं पैसे से जो है कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ, तो मैंने बताया सारी चीजें उनको, तो उनको लगा कि एक नया लड़का अगर आया है तो इसको जो है
अगर मौका देंगे तो हो सकता है कुछ बेहतर भी करेगा। तो मुझे मौका मिला और मैं लगभग 200 वोटों से जो है विजयी हुआ, और उसके बाद मैंने जो भी वादा किया था उस पर हर कदम मैंने जो है उस वादे को जो है निभाया। सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं अपने गांव का स्कूल जो है मॉडल बनाऊंगा, और आज स्कूल की यही स्थिति है कि हमारा स्कूल जब बना तो हमारे स्कूल प्रदेश के सिद्धार्थनगर में लगभग 400 से 450 स्कूल मॉडल बन गए हैं। हमारे स्कूल में पहले 30 से 35 बच्चे एडमिशन लेते थे, लेकिन अभी स्थिति यह है कि सरकारी स्कूल होते हुए भी वहाँ पे 250 बच्चे हैं और एडमिशन हमको बंद करना पड़ा। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं जो थी, हमारी एनएम सेंटर था उसको भी हमने पूरी तरह से कायाकल्प करके उसको बेहतर बनाया। गौशाला की सुविधा हमने दिया, जो गांव में छुट्टे पशुओं से विचरण करते थे, किसानों के खेत को जो है नुकसान करते थे, उनको जो है रखरखाव के लिए मैंने गौशाला में जो है बेहतर सुविधा दिया। आज जो गौशाला कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि वो गौशाला शायद उत्तर प्रदेश का नंबर 1 गौशाला होगा, इतनी अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पे। अच्छा, आपकी एजुकेशन का क्या कुछ लाभ आपके गांव के लोगों को मिल पाया? क्योंकि कहते हैं कि जब गांव में कोई एक बच्चा पढ़ता है तो बाकी पीछे न जाने कितनी और पीढ़ियां इसी तरीके से प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ती हैं, पढ़ती हैं, और शायद हो सकता है यही वजह हो कि आपने अभी तक अपने नाम क्या इंजीनियर सर्वेश जायसवाल लगाया, क्योंकि इंजीनियरिंग अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट कहा जाता रहा है और आम तौर पर इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा लोग प्रमोट भी करते रहे। वैसे भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में तो लड़का इंजीनियर होना चाहिए, तो आप भी इंजीनियर बने हैं, तो आपकी एजुकेशन का क्या कुछ लाभ मिला है आपके गांव में? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे एजुकेशन का लाभ मिला है क्योंकि मैं अपने गांव से पहला ऐसा स्टूडेंट था जो पहला इंजीनियरिंग किया था मैंने। और आज मेरे गाँव की हालत ये है कि मेरे गाँव में कम से कम 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग किए हैं, बाकी और भी तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर एजुकेशन की मतलब एजुकेशन की तरफ लोगों का झुकाव काफी ज्यादा हुआ है। लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, और हम जाते हैं गांव में तो बताते भी हैं, समझाते भी हैं कि लोगों को भाई अगर आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, किसी भी सेक्टर में आपको जाना है, आपको जॉब करना है उसमें भी आगे पढ़ सकते हो, आपको पॉलिटिक्स में जाना है उसमें बिना एजुकेशन के आप पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकते। आप गांव में रहे, आमतौर पर होता ये कि उत्तर प्रदेश में गांव के ग्रामीण इलाकों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और सीधे फिर बाहर जाते हैं शहरों में नौकरी पेशा करने के लिए, तो आपने फैसला क्यों लिया कि आप गांव में रहकर आप ग्राम प्रधान बनेंगे, यानी आप राजनीति में आगे जाना चाहते हैं? एक्चुअली मैं ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था कि मुझे गाँव में रहकर जो है राजनीति ही करनी है। मैं दिल्ली में जॉब करता था, लेकिन मैं दिल्ली में जब कुछ दिन 1.5 साल लगभग जॉब किया, उसके बाद फिर कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे घर पे आना पड़ा। तो घर पे आया तो फिर मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, कोचिंग चल रहा था। मुझे ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि मुझे राजनीति में जाना है, प्रधानी करना है, ये सारी चीजें। लेकिन वही है, बताया मैंने कि मेरे दोस्त हैं उनके द्वारा मोटिवेट हुआ मैं कि वो भी प्रधानी लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे यहाँ प्रचार कर दो। आपने एक्सीडेंटल आपके साथ जो चीजें हुई और वो आपके लिए बहुत ही लक्की भी साबित हुई, आप जीते भी और आप एक युवा प्रधान के तौर पर काम भी कर रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से अच्छे से काम करते रहे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी।